हीरो बनने का मेरा टिकट है ये, और बहुत आई लुक अप टू दिस फिल्म रिलीज। बहुत मन से मैं रिलीज का वेट कर रहा हूँ ताकि लोगों को एक अलग तरीका मैं दिखा सकूँ। अभी की सारी तक अभी तक की जो भी फिल्में हैं उसमें काफ़ी एंगर एंड एक्स्ट्रा एंगर एंड नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर मैंने पोर्ट्रे किया है, तो पहली बार इसमें सुनील सर ने मेरे इमोशंस को ऐसा कंट्रोल किया है और एकदम सटल फॉर्म में मैं आ रहा हूँ। और इसका एग्रेशन सिर्फ जहाँ देखना दिखाना चाहिए वहीं पे दिखाया मैंने। वेरी एक्साइटेड कनाडा ऑडियंस, मैं पहले भी मुझे बहुत प्यार मिला है और काफ़ी फिल्में यहाँ पे हिट हुई हैं। तेलुगु ऑडियंस, तमिल ऑडियंस, सभी लोगों ने मेरा काम को बहुत पसंद किया था और यही कॉन्फिडेंस से मैं वापस इस फिल्म से आ रहा हूँ। तो आई एम रियली होपिंग कि लोगों को ये काम मेरा पसंद आए। माई कैरेक्टर नेचर इज़ समवन हु इज़ वेरी केयरिंग, समवन हु इज़ प्रोटेक्टिव, और ऐसा मैं प्ले किया हूँ जो बेसिकली हर आदमी में एक ये कैरेक्टर है जो अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने फैमिली के लिए इवन महादेव बन सकता है, रुद्र बन सकता है। तो वही कैरेक्टर मैंने पोर्ट्रे किया है कि अपने प्यार को पाने के लिए, यानी कि माय लव, टू प्रोटेक्ट माय लव, व्हाट ऑल आई हैव डन, इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, वो भी अनसेंसर्ड, एक्सट्रीम लेवल एक्शन। इसमें कुछ काटा वाटा नहीं है, एक्चुअल मारा है, एक्चुअल मार खाया है और जंगलों में स्टंट्स किए हैं, एक्चुअल गिरा हूँ, पेट पे मार लगाए। लेकिन एक फिल्म के लिए हम लोग पूरी टीम, हमने बहुत दिक्कतें झेली बिकॉज कूर्ग का जंगल, लंबे लंबे पेड़ है वहाँ पे और बहुत अमेजिंग व्यू है। शूटिंग करना आसान नहीं है ऐसे लोकेशन पे, स्पेशली बारिश में। लीच होते थे बड़े बड़े, वो लीच पकड़ लेते थे पैर में और वो ब्लड सक करते थे लीच। वहाँ पे टीम वालों को, मुझे, सब लोगों को हमको पकड़, तो उसमें हमको पता भी नहीं चलता था काम में। सॉक्स निकाल के देखो तो पता चलता है वहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है और 5-10 मिनट से लगा हुआ है, इतना बड़ा हो रहा है। तो ऐसी दिक्कतों का हमने सामना किया, बट उसका नेचर अमेजिंग, जो हर एक के अंदर के हीरो को बाहर निकाले, ऐसा नेचर है उस कैरेक्टर। ऑल द फिल्म्स आई डिड एज अ विलन, और मेरे मन में देयर वाज नथिंग लाइक दिस दैट आई एम प्लेइंग ओनली विलन, व्हाई नॉट हीरो। माय मदर यूज्ड टू टेल मी दैट व्हाई डोंट यू प्ले अ हीरो, एंड आई यूज्ड टू टेल माय मदर के यू नो villains are also smart looking, you know, nowadays villains are also given a lot of importance, but she was right. When I became a hero, I understood what she meant, because becoming a hero is you have to experience, you are there in everything, responsibility badh jati, and I never thought ki mere andar ka wo hero main kabhi la paunga. So this is the first time I got this opportunity, simple, because I told myself if I want to work in Kannada film, in Telugu film, Tamil film, I cannot tell myself I don't know the language. For me as an actor, the art and the craft, the work is the same. Language kuch alag ho sakta hai, chalta hai, lekin kaam karne ka tarika same hai. To I used to request every directors and writers ki script aap mere ko advance mein de dijiye. So they used to write the dialogues in English, the Kannada dialogues in English, aur usme uska meaning ek assistant director ko leke baithta tha main. मुरली और दो तीन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे यूज़ टू सिट विद मी एंड वी यूज़ टू परफॉर्म टुगेदर। सो प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, एक्चुअली इट इज़ बिलीव्ड दैट इन लेट 80s एंड 90s न्यू फिल्म मेकर्स यूज़ टू टेक सुनील सर्स फिल्म्स एज अ रेफरेंस, लाइक स्पर्शा इज सच अ ब्यूटिफुल फिल्म, सो दे न्यू पीपल यूज टू टेक इट एज अ रेफरेंस। कितनी बड़ी बात है वो कि सच अ मैन इज़ डायरेक्टिंग मी, and Sunil sir's way of taking shot is very very different. He doesn't take like any other director, like, you know, script wise and stuff. He will improvise as per the location, he will write the scene accordingly. It's a very Hollywood style of a film making. So shuru mein mujhe samajh mein nahi aaya main kya kar raha hu, because aaj ye scene shoot kar rahe hain, kal interval ke baad ka koi to scene achanak shoot kar raha hai, location ke hisab se, location ka permission mila us hisab se shoot karta. So I slowly steadily started knowing him. And then I know, I told myself कि मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ, because that director knows best. He is already there since 20 years now. I'm just 7 films old, 8 films old. What do I know? I just told myself कि मैं जो सर बोलेंगे वैसा करो एंड बाकी ओके. मेरा एक और मुझे टेंशन ऐसे लगती थी, बिकॉज विलन्स में बहुत लाउड एक्सप्रेशन देना पड़ता है, फुल गुस्सा, एंगर, ये सब, जो मैं धीरे धीरे यहाँ पर भी कर रहा था बिकॉज इतनी आदत पड़ गई थी. So sir used to say, nah, just look, this much is enough. So you see, he bought a hero out of me.
So if he can do that, then I understood that, okay, I can do a lot of things. So yes, wonderful experience. No, in fact, for this preparation of this role, we didn't get much time. We had to start shooting. And there was no workshops as such. There was no preparation. Normally, there are workshops before we start the film. A very contemporary touch with a modern twist. How in only 24 ghante mein, how things change in the one's life. Sirf only a matter of 24 hours, the story is. Now imagine one incident ko ek film mein banana. How much ingredients are there in that? See, I started off my journey immediately after Mr. World, winning Mr. World title. I was a good actor on TV. I worked with stars on TV. In the films, I've not worked with anyone earlier. My first film was Rogue, which I started shooting with Puri Jagannath, sir. With Puri Jagannath, I worked with Ishan. Ishan is another Kannada actor. He's like a brother. That was my debut film. Alongside at that time, my first movie was Commando 2 and Singham 3. So by the time I finished Commando 2 in Thailand, I got a call from Surya sir's people that they are looking for me for a villain's character. Harish sir came to Bombay, I met him. And within 2-3 days, I started shooting. Now, the best part about these actors I work with, especially Alu Arjun sir and Surya sir, well established, N number of films, amazing fan following. But the kind of person he is, like this, very simple. He used to hug me on the set, he used to talk to me with a lot of respect. He just knew I'm a Mr. World, that's all. So I got a lot of respect from these people. But Abhi bhi, I didn't know them as an actor. So the way they worked, that made me feel that the day I become a hero, I want to be something like this. Yeah. Future projects, as of now, see, Utgarsha is coming. Then this Yajmana is also coming. So in one film, probably they might release one after the other only. So in one film, you might see me as a hero, but by the other, in a villain. But they've presented me in a very beautiful manner. The avatar in that film is a very, very high standard, high value, like a Singham 3 kind of a businessman tycoon he's shown. Which is a very nice look. Then I have my Marathi film also coming, jisme I'm a hero. And in Bollywood, I'm coming opposite Sunny Deolji in the remake of S3, the Tamil Surya S3. It will be remade in Hindi, where I'm coming opposite Sunny Deol sir. So that I'm starting by November, December. And one Bhutanese film I did. I'm the first actor in India who has worked in Bhutan, an international film, as an action figure in that. So I have 4 movies coming up now. One of them will be releasing next year. So yeah, 4 projects. Thank you, everyone. Thank you.